रुड़की के भाजपा विधायक एक बार फिर बड़े विवाद के चलते चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार विधायक प्रदीप बत्रा पर उन्हीं की सगी बहन की प्रॉपर्टी हत्याने का आरोप लगा है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा की बहन और उनके जीजा ने उन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश जारी होने के बाद भी विधायक के प्रभाव में स्थानीय पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर पा रही है, जिसकी वजह से बहन और बहनोई इंसाफ की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। विधायक प्रदीप बत्रा के जीजा अनिल कपूर और उनकी बहन मंजू कपूर ने कहा कि ऐसे विधायक को शहर की जनता कैसे झेल रही है, जो कि अपनी बहन की संपत्ति को ही फर्जी दस्तावेज बनाकर हत्या लेता है, तो वह आम जनता के साथ क्या ही न्याय कर पाता होगा। के मदर की संपत्ति जो मेरे बीबी के हिस्से की थी, उसको उन्होंने जाली दस्तावेज बना के, जाली एफिडेविट तैयार करवा के अपने और अपने बच्चों के नाम करवा लिया। जब हमें इस चीज़ का पता लगा, हमने पूछे जाने पे उन्होंने कहा सब मेरा, मेरे बच्चों का, तेरा कुछ भी नहीं है, जो करना है कर ले। बड़ी बहन से गलत बोला, उसने कहा तो मेरे से ऐसे गलत क्यों बोल रहा है, कह रहा है जीजा जी को फ़ोन दो। उसने मेरे को फ़ोन दिया, मेरे को उसने सिर्फ धमका दिया, जो करना है कर ले, पुलिस प्रशासन सब मेरा है, मैं देख लूँगा तेरे को, यहाँ सब मेरा चलता है, आ जाओ कोर्ट में, आ जाओ देख लूँगा। और वाकई में वो उसने झूठ नहीं कहा था, एक साल से वो हमें देख रहा है। वो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।